जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। तो आज कौन सी अच्छी बात आप लोग शेयर करना चाहेंगे और उस पर अमल भी करना चाहेंगे? कल मैंने यही कहा था कि कोई ना कोई अच्छी बात। वैसे तो हमें अच्छी बातें हर जगह देखने को, सुनने को, पढ़ने को, और हम जानते भी हैं कि क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या फ़ायदेमंद है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि वो अच्छी बात, फ़ायदेमंद बात तब बन जाती है जब हम उस पर अमल करते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो हर तरफ ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कार्ड्स एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी बातें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन अमल करना बहुत ज़रूरी है। चले एक अच्छी सी बात मैं भी शेयर करती हूँ, मेरी नज़रों के सामने से भी गुजरी थी। कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, बल्कि क्या मैटर करता है कि हर कोई आपको पसंद करे। अपनी शख्सियत को आप इस तरीके से बना लीजिए कि हर चीज़ आपको पसंद करे। और यहाँ सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, बल्कि चरिंद, परिंद, फूल, पौधे, यहाँ तक कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको पसंद करे, आपको दुआएं दे। अब ये पता कैसे चले? इंसानों का तो हम पता कर सकते हैं कि ये हमें पसंद कर रहे हैं या हमें किस तरह का रिस्पांस आगे से मिल रहा है, तो अच्छा, हाँ, हमने अपनी पर्सनालिटी ऐसी कर ली है। लेकिन चीज़ों का कैसे पता चले? चीज़ें कहते हैं कि दुआएं देती हैं। अगर आप उनकी कदर करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं वो करती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि इन चीज़ों की कदर करें। ये हालत तब आती है जब आप शुक्र की हालत में आते हैं और चीज़ों की कदर करते हैं, तो फिर वो चीज़ें भी आपको फ़ायदा पहुंचाने लगती हैं, ना कि नुकसान देंगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी अगर जायज़ा करेंगे ना कि ये चीज़ें मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम गफलत बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे अंदर उनके लिए कदर नहीं है। तो ये चीज़ को ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। इनफैक्ट मैं किसी का पढ़ रही थी, कोई ज्ञानी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं तो जब सो कर उठता हूँ तो अपने बिस्तर को बहुत प्यार से बनाता हूँ और अपने तकिए को भी बहुत प्यार से सरहाने में रखता हूँ और उसका शुक्र करता हूँ, उसको थैंक यू करता हूँ कि रात में इसने मुझे इतनी अच्छी नींद दी है, इसने मेरा साथ दिया है। तो इस तरह से क्या होता है, एक और मैं किसी का पढ़ रही थी कि मैं जब सुबह गाड़ी में बैठता हूँ तो हर सुबह गाड़ी में बैठने से पहले एक तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, फिर मैं गाड़ी का थैंक यू करता हूँ कि ये मेरा काम कितना आसान कर देती है, मेरा वक्त बचाती है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। और इनफैक्ट उन्होंने शेयर किया कि एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी टोटल लॉस थी, लेकिन उनको एक खराश तक नहीं आई थी। तो कहते हैं ना कि ये जानवर वगैरह जो हैं अपने घर में पालें, आप पेट्स रखें, तो ये कोई भी बला आने वाली होती है तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये तब लेते हैं जब आप भी उनको उतना प्यार देते हैं, उनकी कदर करते हैं। तो ये एक अच्छी सी बात थी आप लोगों के साथ शेयर की। आप भी कुछ ना कुछ शेयर कीजिए कॉल करके। और आज भी हमारे पास मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं आप लोगों को देने के लिए, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। मज़ेदार सी चाय भी बनाएंगे हम, डियर टी आज, और अपनी गेस्ट को पिलाएंगे। हमारी गेस्ट आज यहाँ नहीं बैठी हैं, किचन में। चार रेसिपीज़ हैं, हमने उनको आते साथ ही ना किचन में खड़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। गुड जी, वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू अफशा, फर्स्ट टाइम आ रही हैं, और अफशा घर पूरा संभालती हैं और खाने बनाने का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक कुछ इन्होंने केटरिंग वगैरह का शुरू नहीं किया, बस घर वालों को अच्छे अच्छे खाने बनाकर ये खुश करती है और आज अपनी रेसिपीज शेयर करने आई है। कैसा लग रहा है अफशा? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मसाला टीवी तो आप बहुत शौक से देखती हैं, बहुत। किसका शो सबसे फेवरेट है? सबसे शिरीन आंटी का, सारे शोज की अपनी कुछ ना की अपनी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। तो रोज कुछ नया बनाती है या होता रहता है कुछ ना कुछ? कुछ ना कुछ होता रहता है, फरमाइशें चलती हैं घर में। हाँ। चार भाई हैं जी आपके? जी, एक छोटी बहन है। एक छोटी बहन है। अच्छा, तो सारा ये खाना बनाना आपके जिम्मे है? जी जी। किचन आपने संभाला हुआ? जी। वेरी गुड। आज की रेसिपीज की खास बात क्या है जो आप बना रही हैं? आज की रेसिपीज एक तो है हमारा ये लयाली लुबनान। हाँ, अरेबिक डेजर्ट। ये जरा बताएं हमने किया क्या है? हाँ, इसको मैंने दूध को बॉईल करते वक्त उसमें सूजी ऐड करी हमने। ठीक है, 1 लीटर दूध है। ठीक है, 1 केजी। उसमें हमने कम से कम 3-4 कप सूजी डाली है। अच्छा, कोई हमने सिर्फ पानी नहीं है, कुछ नहीं डायरेक्ट डाल दिया है। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे, शुगर डालेंगे। ठीक है, अच्छा, आपने इसको एक बॉईल दिया? हाँ, इसमें जरा सी थिकनेस आ गई, थोड़ी सी ये थिकनेस आ गई, देख लें। तो अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, 1/2 कप शुगर जाएगी। मैंने अफशा को कहा कि भाई उसको, आपने कहा ना इसको ठंडा भी होगा पकेगा, मैंने कहा पहले स्टार्ट ले लेते हैं। और शुगर अंदाजे से? जी, वो तो अंदाजे से ज्यादा कम होते।
तफशा आपने कहाँ से ये नेट शेट चला लेती हैं, देखती हैं? हाँ, उसी पे कहीं से मैंने किया नहीं है, खुद ही खुद ही तो करें ना कुछ इंशाल्लाह। आप तो ऑर्डर्स ऑर्डर्स लें और क्या फेसबुक पे पेज बनाएं, लोग पेज पर आते हैं, लोग ऑर्डर्स मांगते हैं कि आप ऑर्डर्स लेती हैं, मैंने कहा नहीं अभी फिलहाल तो मैंने नहीं किया। करें क्या है, शुरुआत करें, हो सकता है इसके बाद से आप में थोड़ी सी और हिम्मत आ जाए इंशाल्लाह। और अब तो पेज का नाम भी बता दें और ऑर्डर ले लें, अनाउंस कर दें, तबस्सुमी फूड। घर जाकर देखिएगा आप अपना पेज, चेक कीजिएगा ऐसे ऑर्डर्स आ जाएंगे। चलिए अभी मैं इसमें ना ऐड कर रही हूँ, ठीक है, रोज वाटर 1 टीस्पून। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें वनीला एसेंस भी जाएगा। सही है, अच्छा, वनीला एसेंस और रोज वाटर हमने डाला है 1 टीस्पून। दूध में सूजी को पहले पकाया थोड़ा सा, वो थोड़ा सा थिक हो गया और ये चीज़ें, और इसकी कुछ लेयर्स लगेंगी आप? जी, लेयर्स लगेंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ भी आपने दूध चढ़ाया हुआ है? दूध चढ़ाया हुआ है, इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छा, उसे थिक करेंगे, उसको थिक करेंगे। चूल्हा चल रहा है ना? जी जी। हाँ ठीक है, तेज़ कर दूँ थोड़ा? जी। ये भी ठंडा होगा? हाँ तो हम थिक कर लेते हैं। अभी इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। ये ले, ब्रेक लेना है, ठीक है, हम जरा कॉर्नफ्लोर डालते हैं और चीनी डालेंगे? चीनी डालूंगी, कॉर्नफ्लोर और यही डिपेंड होगा, रोज वाटर और वनीला एसेंस। अच्छा, वो भी इसमें जाएगा? इसमें जाएगा और खोया जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। तो खोया हम सामने डाल देंगे, आपने अगर इसको थिक कर डालना है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर में जो घोलना पड़ेगा बस एक बॉल। हाँ, वो इसी में ही ले लें, बॉल है। अच्छा, सही है, सही सही है, सही है, सही है, रोज वाटर ही सही है। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, हम आपको बताते हैं, आप कर लें। ठीक, एक तरफ तो हमने सूजी डाली है दूध में और उसमें रोज़ वाटर और वनीला एसेंस डाला है और चीनी डाल दी है, अब दूसरी तरफ दूध में ये उबाला आ रहा है, आप कॉर्नफ्लोर से थिक करेंगी, चीनी डालेंगे, वही रोज़ वाटर, वही वनीला एसेंस, उसके बाद जब थिक हो जाएगा तो हम उसमें खोया ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। सही, फिर उसके बाद क्रीम की लेयर लगेगी ऊपर से, मज़े का मीठा होगा ये दूध दूध वाला। ठीक है, नाश्ता वाश्ता कर कर आइए। बस हल्का फुल्का। क्या किया? बस स्लाइस ले लिए थे और चाय पी, चाय पी थी। चाय की शौकीन है? नहीं इतनी नहीं, बस दो कप। ऐसा शौक पैदा कर दोगी डियर टी पिला कर इनको, फिर ये हर घंटे के बाद मांगेगी भाई डियर टी बना दो। अच्छा जी, हम ब्रेक ले लेते और ब्रेक से फिर आते, नहीं मैं नहीं नाश्ता कर कर आई, फिर आते हम ब्रेक। हाँ जी, वेलकम बैक। आज अफशा हमारे साथ हैं और मज़ेदार सा मीठा हमने शुरुआत किया, ये अरबिक मीठा है। हमने किया क्या था, 1 लीटर दूध में आपने थोड़ी सूजी डाली थी, सूजी कितनी? सूजी 3/4 कप सूजी है, हाफ कप शुगर, ठीक है, और वनीला एसेंस 1 टीस्पून और रोज वाटर 1 टीस्पून, और इसको हमने थिक करके अब फैला दिया डिश में। अब इसके ऊपर लेयर जाएगी दूसरी तरफ जो हमने दूध चढ़ाया था, इसमें क्या क्या आपने? इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, 1/2 लीटर दूध है। हाँ। उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में डिजोल्व करके, ठीक है, और 4 से 6 टेबलस्पून है ना शुगर डाली, शुगर डाल दी और वनीला एसेंस और रोज वाटर डाला, ठीक है। अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे, ठीक है, और चूल्हा आपने बंद कर दिया? हाँ, चूल्हा बंद कर दिया इसलिए कि थिक हो चुका है। सही है, ठीक है। अब ये खोया गया, अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम ये वाली लेयर डालेंगे। जी जी, ठीक है, मज़े का लग रहा है, दूध वाला मीठा और क्रीम व्रीम भी इतनी नहीं है ना, तो वो खाया जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, वरना बहुत ज़्यादा क्रीमी मीठे होते हैं। उस क्रीम की लेयर आएगी लेकिन ऊपर आएगी, ऊपर है वो, तो आप मेरे हाल से गार्निश अगर नहीं भी नहीं इसके अंदर मिक्स होगी। अच्छा जी, सेकंड लेयर में क्रीम लेयर, ये 1 कप है, 1 कप जी चल जाएगा इतने बड़े डिश में, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रख दूँ फ्रिज में? फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये जी ठंडा हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ये साइज आएगा नहीं आएगा, पहले मैं चेक करूँ, नहीं आएगा ये साइज, हाँ यहाँ आ जाएगा। यस, दिल में जगह होनी चाहिए, है ना? सही बात। ये गया जी अंदर फ्रिज में, ये 2 डोर वाले फ्रिज, अच्छा मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, प्यार कर देते हैं उसको,
शुक्र शुक्र है, इसका भी अच्छा अच्छा ठंडे ठंडे चीज़ें कर देता है, हमारा काम आसान कर देता है, हम भूल जाते हैं, हम बड़ी रवानी में चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पता नहीं होता, लेकिन हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि भाई वो फ़ायदा कितना दे रही है हमें, और फिर हम उसको ब्लेस करने के बजाय उल्टा वो भी ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये ख़राब हो गया, कभी इसका गैस निकल गया, कभी कुछ। तो ये एक बाउल में करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, इसको भी रखना है। मैं ये बाउल यहाँ रखा हुआ है छोटा, इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि इसको ठंडा होना है तो हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो है बारबेक्यू राइस। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस ईशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है किरण, आप ठीक हैं आप? नहीं, कहाँ से ठीक, मैं तो बहुत अच्छी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम खुशबाश, एकदम हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली, बहुत खुश, एकदम प्यारी, वाह, हर वक्त खुश रहने वाली, बहुत हर वक्त खुश रहने वाली। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हमेशा की तरह आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, आज की भी और कल की भी, और जो डॉक्टर थी ना, डेंटिस्ट थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। डेंटिस्ट थी, क्या बनाया था इन्होंने? वो बहुत बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि हर वक्त किरण, हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आसान नहीं है ना खुश रहना ज्यादा जी, और खुशी जो हर इंसान के साथ आती है उसको फेस करना चाहिए। हाँ। सब कुछ खुद ही सही हो जाता है, बस इंसान अपने आप को खुश रखे, अपने आप को मुतमईन रखे, बस आगे के लिए बीज अच्छा बोले, खुश रहकर, है ना, हमेशा अच्छा बोले, अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा, खुद ब खुद नेचुरली अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, और क्या जी, बस मुझे बहुत पसंद है आपको शो, आज कॉल मिल गई, बहुत खुशी हो रही है, और आज की रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, आप शायद से कुछ बात करनी है, याद रखिएगा, और मेकअप सिटी के वॉचर मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा। अच्छा ठीक है, सही, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैरिनेशन चिकन की कर रहे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, आपने बोनलेस चिकन, हाँ बोनलेस चिकन है, एक किलो से थोड़ा सा कम, ठीक है, 750 ग्राम, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन, हाँ पेस्ट हो गया। ये मुर्गी शुर्गी तो भाइयों को बोलती हूँ यार, भाई इतने किलो मुर्गी चाहिए, गोश्त चाहिए, है ना, सही बात। अच्छा, इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, ठीक है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा 1 टीस्पून, ठीक, ये बाजार में भी मिलती है कश्मीरी लाल मिर्च? हाँ मिल जाती है, इसमें रंग मुश्किल से मिलती है, ऐसे मुश्किल से मिलती है, 1 टेबल स्पून जाएगा, टीस्पून है तो 2 डालेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल मिर्च, हाँ नॉर्मल मिर्च, ठीक है, कश्मीरी मिर्च भी है और लाल मिर्चें भी हैं, हल्दी, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये है गर्म मसाला पाउडर, यहाँ पर गर्म मसाला, गर्म मसाला पाउडर, सही है, 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये भुना कुटा जीरा 1.5 टीस्पून, ठीक, ये बारबेक्यू राइस बन रहा है जी जी जी। अच्छा। और ये कुटी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून जाएंगे, सही है, ठीक है, सब्जियाँ इसमें डाल देते हैं ना, ये दही है, ठीक है, 1 कप के करीब दही, ओके, चाहे कोयले की कोयले रखने, हाँ रख देते हैं, नहीं अभी बल्कि बहन दे इसलिए जल्दी हो जाएंगे, हाँ सही है, ठीक है ना। अच्छा, ये चिकन की सारी मैरिनेशन हो गई हमारी, और फिर इसको हम करेंगे कुक, हाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जब तक हम दूसरे पे आते हैं, ठीक, ये चावल करती हूँ, हाँ, जब तक 5-7 मिनट मिल जाए इसको, सही है। अच्छा, चावल भी हमने बॉईल नहीं किया, बॉईल नहीं किया, और इसमें बॉईल होंगे भी नहीं, वो भगार देकर आप, हाँ थोड़ा सा ना, ठीक है। अच्छा, चावलों के लिए ये सही है साइज, या मैं बड़ी वाली आपको कढ़ाई दे दूं? चावलों के लिए हाँ सही है, ये चाहिए तो ये ले लें, खुला फैला हुआ है, ठीक है, है ना, ठीक है, चावल को इसमें कर लें। अच्छा, चावलों में करना क्या? चावलों में इसको ऑन कर दें, चूल्हा ऑन कर दें, चूल्हा ऑन करूं, थोड़ा सा ऑयल डाल के, सही है जी, किफाया कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज अपने खानों में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी जाएगा, ओके ठीक, जल्दी सही है, तंदूरी है ना तो फूक देने, आ जाओ जी, किफाया सबके दिल को भाया, वेरी लाइट ऑयल जिसमें आप खाना बनाएं तो फौरन से हजम हो जाए, यही अच्छे तेल की पहचान है कि वो हल्के कलर का हो, जितना लाइट कलर का होगा, ये देखें ना खूबसूरत गोल्डन कलर है, लाइट सा, सही, हाँ ऑन कर दें चूल्हा, सही, हाँ चूल्हा ऑन, ले लीजिए। अच्छा, अब करना क्या है? अब हमें और इसके लिए मुझे एक स्पैचुला चलाने के लिए चाहिए होगा, चमचा, चमचा वो हाँ पीछे रखे हुए हैं। ये रेसिपी कहाँ से सीखी है आपने? ये मैंने देखी तो नेट से, लेकिन अपनी कुछ रद्दो बदल के बाद
रेडी कर चुकी हूं। बना चुकी हूं। जी जी। तो ये काफी आपकी मजेदार रेसिपी है। हां, जो सिलेक्शन की आपने। जी। अच्छा, हरी मिर्च और ये गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, ठीक है? फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक है और हरी मिर्चें हैं। कल का शो देखा था? हां, मैं तो जब से मेरी इंटरव्यू हुआ है मैं हर शो देख रही हूं। कल रिपीट में भी देख। कल के खाने भी मजेदार थे। हां, अच्छे लग रहे थे। लेकिन वो मुझे सब्जी बहुत मजे की लगी, शलजम की, शलजम के पत्तों के साथ। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। आप लोग कहाँ कहाँ से रेसिपी बना रहे हैं? सही बात है, घरों में सीखते ही रहते हैं आपसे। हाँ, कॉलर है? कॉलर है? हाँ, कॉल्स दे ना, बेचारे लोग डायल कर रहे हैं, जब ही तो शिकायत करते हैं, हम कॉल नहीं लेते उनकी, हमारी कॉल ही नहीं लगती। अच्छा जी, पाया कुकिंग ऑयल, गार्लिक को थोड़ा सा सौते किया, हरी मिर्चें और आपने डाल दिए चावल डाल दिए, अभी नमक जाएगा इसमें। और नमक तो जी। अच्छा, दूसरी तरफ चिकन को चढ़ाना हो तो हम चढ़ा सकते हैं। हाँ, है ना? इसे एक चम्मच दे दीजिए बस, ये सारे चम्मच निकाल दिए। हाँ, घर में भी ऐसे ही करती होंगी ना, सब चम्मच इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन आई थी हमारे शो पर कहने लगी मैं तो सारे ही चम्मच इस्तेमाल कर देती हूँ, कहाँ कहाँ से निकाल के अपने एंड में सारे धोती हूँ। अच्छा, चिकन क्यूब, ठीक है, चिकन क्यूब भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप किरण? मैं बहुत अच्छी, खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको रखे। आप प्रोग्राम भी करती हैं बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा, और जो लोगों में पॉजिटिव पाए हुई आप अपनी सोच के साथ, तो वो बहुत एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा शो आप किरण कर रही है, और नए नए लोग को जो आप मौका देती हो और आपकी टीम मौका देती है, ये आप हम लोगों को सिखाते हो कि देखो कहीं भी चले इंसान को घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। और ऐसा है कि आपकी जो आप रेसिपी बनवाती हैं, जो शेफ बुलवाती हैं, फिर हम ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नए नए लोग ना किरण, कल भी मैंने किरण कॉल की थी तो लेकिन बस ड्रॉप हो गई थी, बात नहीं हुई आज से, लेकिन आज मैंने फिर दोबारा ट्राई की कि नहीं मुझे कॉल करनी है। हालांकि मैंने अभी कुकिंग की तरफ ज्यादा दमन का नहीं, किरण का शो लगा हुआ, साथ साथ मैं नंबर भी डाल करती जा रही थी। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। सूट में अल्लाह ताला से आपको खुश रखे, आमीन। सारी दुआएं आपके लिए भी, आप भी खुश रहें, एफर्टलेस तरीके से खुश रहें, बल्कि हमें एफर्ट ना करना पड़े खुश रहने के लिए। यहाँ जाएंगे तो खुश रहेंगे, ये खाएंगे तो खुश रहेंगे, इससे मिलेंगे तो खुश रहेंगे, इससे बात करेंगे तो खुश रहेंगे, है ना? ये सब कुछ ना हो वैसे ही खुश रहें हम लोग, कितना अच्छा हो जाए, किसी पर डिपेंड ही ना करें हम लोग, अपनी खुशी को लेकर कहीं ना डिपेंड करें। अच्छा जी, हम अब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अफशा, हम कर क्या रहे हैं? आपने ये किफाया कुकिंग ऑयल निकाला फ्राइंग पैन में, हम वो जो सब्जियां फ्राई करनी है। अच्छा, ये गार्लिक डालेंगे थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है वो डाल के इसको चप सब्जियों को फ्राई करें। अच्छा, सिर्फ गार्लिक और हरी मिर्ची डालेंगे, सोया सॉस जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये अलग अलग सब्जियां करेंगी या सब इकट्ठा करेंगी? सब इकट्ठा। अच्छा, अब सब्जियों में सिर्फ आप देखते हुए चले जाएं कि है क्या क्या। गाजर है, शिमला मिर्च है, स्वीट कॉर्न है, हरी प्याज का पत्ते हैं हरे, और उसको चॉप किया हुआ है, और बंद गोभी है। ठीक है, इन सब्जियों को हमने ये गार्लिक डाला और हरी मिर्ची डाल के, और थोड़ा सा सोया सॉस और नमक। हाँ, सोया सॉस, ब्लैक पेपर। ठीक है, वही सीजनिंग डालकर सिंपल सा सौते करके हम इसको रखते हैं। आप लोग ब्रेक ले लीजिए। जल्दी से ये बारबेक्यू राइस तैयार हो तो फिर मैं खाऊं, भूख लग रही है मुझको वैसे। अच्छा, हमने किया क्या, जरा चावल भी दिखा दीजिए।
किफ़ाया कुकिंग ऑयल लिया, लहसुन चॉप्ड था और उसमें हरी मिर्चें डाल के सौते करके और चावल डाल दिए नमक डाल दिए ठीक है, उसी के उसमें बने हैं। और यहाँ पर सब्जियाँ हमने सारी ली हैं किफ़ाया में लेकर आपने। हाँ, थोड़ा सा गार्लिक करके डाला। हाँ, उसके बाद सारी सब्जियाँ डाल के इसको सौते किए। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस जाएगा, नमक और ब्लैक पेपर। सही, ठीक है। नमक, काली मिर्च, हाँ, और संदीप की सोया सॉस का हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सी जाएगा। ठीक है, सब्जियों में बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और हरी प्याज सोया सॉस। ये नॉरस वालों का इन्होंने निकाले, इनकी जैम्स और जेलीज भी हैं और इनकी सॉसेस भी हैं, चाइनीज सॉसेस जिसमें सिरका, हॉट सॉस और सोया सॉस है। ठीक है, अच्छा। और ये भी आप लेयर्स में करेंगी? ये भी लेयर्स में। लेयरिंग का काफ़ी शौक है। मीठा भी हम लेयर्स में, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। चलो ये रेडी है, इसको मैं चेक कर लूँ। अच्छा, चिकन को भी हमने चढ़ा दिया था जो मैरिनेट की थी, बोनलेस चिकन। जी, थोड़ा सा किफ़ाया कुकिंग ऑयल में। अच्छा, इसमें चीज़ें क्या क्या डाली थी, एक रीकैप हम करके बता देते हैं इनको। एक कप दही था, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, भुना कुटा जीरा, गरम मसाला और बस यही सब चीज़। लाल कुटी भी, हाँ, लाल कुटी मिर्ची थी, सही, बस यही। और रंग था थोड़ा, और नमक, नमक, ठीक है। नींबू शिम्बू आपने कुछ नहीं? नहीं, नींबू नहीं है। ठीक है, धनिया पाउडर वगैरह भी कुछ? धनिया पाउडर कुछ नहीं है, सिर्फ जीरा वो था और गरम मसाला। जरा ये सॉफ्ट हो जाए। सही है। अच्छा, सब्जियां भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। मीठा हमने रखा हुआ है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, वो ठंडा हो जाएगा तो मीठे को करना है लेयर। अभी ठंडा हो गया? हाँ, अभी नहीं हुआ, आ जाते हैं ना उस पर, अपना कीमे के ऊपर। कीमे पे जो मैरिनेशन आपने करनी है क्या? मुझे क्रिस्पी चिकन पे करनी है मैरिनेशन। ठीक है, और इसको हम कैसे? इसको हम तो डायरेक्ट चढ़ेगा ना। अच्छा, सही है। फिर अभी चूल्हे हमारे पास नहीं है, ये होगा, अभी जरा सा टाइम है, टाइम है, कोई मसला नहीं, घबराहट नहीं है। चारों रेसिपी कम्प्लीट है, हो जाएंगी। दो रेसिपी से एक तो आपकी फ्राइड है, वो चिकन को मसाला लगाया और फ्राई किया, मज़ेदार से खिलवा बासमती चावल। डेली कुकिंग आप करती हैं घर में आप? जी जी। आज कल क्या खाया था आपने? कल क्या खाया था? हाँ, कल मिक्स वेजिटेबल बनी थी और सारा कीमा था। कीमा और वेजिटेबल रोटी के साथ? हाँ, रोटी के साथ। दोपहर में थी दाल चावल। रोटियाँ भी आप बनाती हैं? कितनी रोटियाँ बनती हैं दिन की? इतनी नहीं बनती, 6 से 7 बनती बस। 6 से 7 रोटियाँ दिन में होते नहीं है ना, रात में थोड़ी सी हो जाती है, ज़्यादा कम होते, 8 से 9 जाती है रात में, इतनी नहीं होती। 4 भाई है ना, तो नहीं, तो एक भाई अभी यहाँ नहीं है ना, बाहर। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं। सही है जी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना, ओ रुखसाना, रुखसाना रुक जाना। हेलो किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुखसाना, के हाल चाल कैसे हैं? बहुत, मैं ठीक हूँ, आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। ये बहुत कहते कहते क्यों रुक गई आप? कल का ड्रेस बहुत अच्छा था। हाँ, कल वाकई में वो ब्लैक आ रहा था, मैंने देखा उसको रिपीट। आप बड़ी अच्छी गेस्ट लेके आ रही हैं। मैं इनकी इन्हीं की वो है, आना चाह रहे हैं ये लोग। मुझे खुश रहना है, सबको खुश रखना है। सबको खुश रखना है, जी जी, अच्छी, सबको खुश रखती हूँ और खुद भी खुश रहती हूँ। नाराज भी हो तो मुझे उसे खुश रखना है। आप हंसती रहती हैं? हाँ, बिल्कुल। आप इसी तरह हंसती रहती हैं घर में? हेलो, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मतलब कोई बात भी करेंगी तो हंसती रहेंगी, तो खुश रहती है भाई, वेरी गुड। कभी भी आप चली गई तो मुसलसल हंसे जा रही थी। मैंने तो कभी किसी से ऐसे, आपने कभी कोई ऐसा देखा जो मुसलसल हंसता ही रहता हो, खुश रहता हो? नहीं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, करना चाहे तो हो सकता है, हर वक्त खुश रह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान होता है। इतना आसान होता है कि खुश रहना तो कुछ मुश्किल बात है ही नहीं। मैं तो हर वक्त खुश रहती हूँ,
कोई भी बात जैसी भी हो मैं खुश रहती हूँ, है आपशा ये कहना है ना, ये नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता, ये तुम कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारी आदत ही नहीं है, तो हम बदल ही नहीं सकते, नहीं कर वर्ड ही डिक्शनरी से हटा दे। अच्छा जी ये हो गया, ये हो गया, अब क्या करें, मैरिनेट कर लेते हैं, चलें आज ठीक है। अच्छा ये क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी चिकन है, इसमें हमने स्ट्रिप्स के स्टाइल में काट ली, ठीक है ना। अच्छा इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। ये कहाँ से आ गई आपके पास, पहले नहीं थी ना? क्या नहीं थी, चिकन कहाँ थी, फ्रिज में थी, फ्रिज में थी। अच्छा मैंने कहा शायद मैं बात कर रही थी तो शर्जील ने चुपके से ला कर दे दी। अदरक लहसुन चला गया, इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है। आप ज़ोर से बात कर सकती हैं हाँ, ताकि लोगों को पता चले कि आप डाल क्या रही हैं इसमें। अच्छा दो टेबलस्पून जाएगा, ये रेड चिली पाउडर है आपका, ठीक। और आपका कैमरा वो है, अच्छा। और आपने लोगों को बताना है, मिलियंस एंड ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके जिनसे आप बात कर रही हैं। अच्छा रेड चिली, ये कश्मीरी, मुझे नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ, वन टेबल स्पून है, ठीक है कलर के लिए, ठीक है। ये है जीरा पाउडर, आवाज़ नहीं आ रही होगी उनको, नहीं जीरा पाउडर वन टीस्पून, ठीक है। कुटी लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च वन टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा हो गया आपका, अच्छा हमें जाएगा सोया सॉस, सोया सॉस कौन सी, हाँ एक ही तो है संडिप की और सिरका भी जाएगा, ठीक है सिरका भी संडिप का। ये हमें दो टेबलस्पून चाहिए, ठीक है। अंडा था, अंडा नहीं है, अंडा कॉर्नफ्लावर वो भी नहीं है, अंडा देख सकते हैं दे रहे हैं, मैंने रखे थे, हाँ आप इसको रख दीजिए कोयले का ना, वो लाइए फॉइल पे हटा दीजिए। अच्छा ये कोयला हम गर्म कर रहे हैं बारबेक्यू दोनों राइस के लिए, ठीक है कोयला चला गया। और यहाँ पर ये क्रिस्पी चिकन की मैरिनेशन हो रही है। अच्छा हमें एग, मैंने अंडा भी, हाँ अंडा वो दे देते हैं, ढूंढ रहे हैं वहाँ रखा था। लाल मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, जीरा भुना हुआ है और इसमें लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक अंडा डालेगा, एक अंडा और कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर और आधा कप मैदा है, मैदा जी ये मैं आपको, और यहाँ पर वो भी नहीं है ब्रेड क्रम्स भी नहीं है, हाँ क्योंकि हम वो रेसिपी वो वाली बना रहे थे ना, ये लीजिए वन कप है, हाँ ठीक है ठीक है। कॉर्नफ्लावर, अच्छा कॉर्नफ्लावर और मैदा, एक्चुअली हमने कीमे की रेसिपी रखी, हाँ सही, ये रखी नहीं, हाँ अपने चला के ये की किचन से कह रही हूँ, फ्रिज से ले आई चिकन और हमने मैरिनेशन, असल में वहाँ हम स्टार्ट लेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैरिनेट हो जाएगा, चूल्हा भी नहीं था हमारे, हाँ बहुत चूल्हा भी वजह से। अच्छा ये चीज़ें सारी आ गई अब इसकी, ठीक। और ये क्रिस्पी चिकन वाकई में क्रिस्पी बनती है, हाँ मैं इसे यही पूछ रही थी, चलो तो इसमें गया मैदा और कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर चला गया, एक अंडा, बाकी सारे मसाले, थोड़ा सा पानी जाएगा, थोड़ा सा पानी भी जाएगा, ठीक। इसको तो खाली हम वैसे ही सर्व करेंगे ना, कोई इसके साथ चीज तो नहीं है, बस मैंने सॉस बनाई है घर से लेके आई थी बनाकर। अच्छा हां मैं बता दूंगी, हॉट एंड सॉर है थोड़ी, तो कुक करके बनाई है वैसे ही, जी कुक कर। अच्छा सही जी, क्रिस्पी चिकन को भी हमने मैरिनेट कर दिया, अगर ठीक से समझ नहीं आया हो तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे हम आपको इसका रिकैप भी कर देंगे, जिस वक्त हम फ्राई कर रहे होंगे चावल यहाँ रेडी हैं, चिकन भी थोड़ी सी और गल जाए, तेल आ गया नज़र में, किफायत बस मैं अभी चेक करती हूं, होता है फिर इसकी लेयरिंग करना होगा, ठीक है इसकी असेंबलिंग रहती है, मीठे की असेंबलिंग रहती है, और फिर हम आएंगे तो कीमा स्टार्ट या इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। ब्रेक ले लिए, ब्रेक से आके फिर ज़रा मैं इनको चाय शाय भी पिलाती हूँ, डियर टी हमारे पास है, ब्रेक। जी वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, आज मेकअप सिटी के वाउचर्स हम आप लोगों को दे रहे हैं और उसके लिए आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, कोई भी अच्छी बात शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात शेयर करें जिस पर आप भी सोच रहे हो अमल करने का या अमल करते रहे हो। अच्छा आ जाते हैं ज़रा रेसिपीज़ पे, हम आपको बता दें कि हमने किया क्या क्या है। एक तो ये क्रिस्पी चिकन
के लिए हमने किफ़ाया कुकिंग ऑयल को रखा है, डीप फ्राई हम करेंगे जी, डीप फ्राई करें। और इसके साथ एक सॉस बनेगी जो आप बना के लेकर आएंगे। अच्छा, इसको हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ अब इसमें क्रम्स लगेंगे, एक दफ़ा एक साथ साथ रिकैप कर दीजिएगा क्या क्या डाला था हमने। ब्लैक पेपर, रेड चिली, हाँ, और कश्मीरी रेड। ठीक है, चले मैं रिकैप करती हूँ, आप उसमें, क्योंकि हाँ। आप एक काम वन एट अ टाइम कर सकती है ना, या तो हाथ चला लूंगी या मैं मुंह से बात कर लूंगी। अच्छा, इसमें गया था एक अंडा जी, कॉर्नफ्लावर, मैदा और लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, जीरा भुनावा और नमक और काली मिर्च, काली मिर्च और सोया, किफ़ाया कुकिंग ऑयल, संदीप का सोया सॉस, विनीगर भी गया, अच्छा सिरका भी गया, सोया सॉस और सिरका गया है, और मैदा और वो तो बता दिया। ठीक है, अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर क्रिस्पी करने के लिए और थोड़ा सा ऑयल, और अब सिर्फ एंड में आप, हाँ हाँ, आप सिर्फ क्रम्स पे हम लगा रहे हैं क्योंकि अंडा ऑलरेडी मिक्स था, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये बारबेक्यू राइस की चिकन भी तैयार है। हाँ, इसमें हमें सिर्फ कोयले का स्मोक देना है इसमें, और चावलों पे भी अलग से देंगे। चावलों पे ये देख लें जी, सही, नमक वमक चेक किया आपने जी? अच्छा हाँ, चेक करें आप भी, बिल्कुल सही है। चटपटा ऐसे ही खा लेना, बिरयानी क्या बनानी ऐसे ही खा ले, सही है। अस्सलामुअलैकुम कशफ। वालेकुम अस्सलाम किरण, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, हर वक्त खुश खुश रहने वाली। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, और आपकी अच्छा। जो पॉजिटिव सोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस लगी हुई हूँ, लगी हुई हूँ बदलने के लिए, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। बदल लिया है आपको देख देख के। अरे वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या चीज बदलना चाह रही हैं अपने अंदर? बस यही कि इंसान अच्छा ही सोचे और अच्छा ही करे सबके साथ। लोग सुनेंगे कहेंगे ये क्या हर वक्त सोच की बातें, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, यही करती रहती है किरण और कुछ नहीं कर रही। ओए बेबी, आपकी फील बहुत अच्छी होती है और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमको, है ना जी। मैं भी ट्राई करती हूँ आपकी रेसिपी, बहुत अच्छी बनती है। छोटा बेबी कितने मंथ्स का है? दिन से खाए ना हमें कुछ। बेबी कितने मंथ्स का है आपका? अपनी आवाज सुना रहे। सही है, सही है। उसकी भी कॉल लग गई भाई लाइवली वीकेंड्स में, बचपन में ही लग गई, पैदा होते ही। वेरी गुड, गोद में ही होगा ना बच्चा। जी, क्रिस्पी चिकन भी तैयार है। अब इतनी सारी चीज़ें आपने तैयार की हैं लेकिन तैयार अभी तक कुछ नहीं है। अभी मैं इंतजार में हूँ चखने के। हाँ, अब ये होगी तो फिर मैं कोयले को लगा दे दूँ, मेरा ऑयल लगा कर ना चावल में भी, उसमें भी पहले एक इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल। अच्छा अच्छा, ऑयल डालना। हाँ, एक हमारे गेस्ट आई थी, कहीं नहीं नहीं मैं इसमें बटर डालूंगी, वो बटर की अलग एक खुशबू आएगी। अच्छा, यही तेल डाल दो थोड़ा सा। हाँ हाँ, डाल दो। हाँ भाई, हाँ आसान करें, आसान करें और क्या। ये लो जी, आ गया धुआं कोयले का। अच्छा, इसमें चावल और चा, अरे वाह, पहले से ही दो फॉइल बना के लाई हैं, सुघड़ हैं भाई। क्या शायद चाहिए होगा हमको, ये लो जी। इसमें इसके लिए तो मैं ये ले लेती हूँ यहाँ से किफ़ाया थोड़ा सा। चम्मच क्या? ओहो, ये चीज़ यही चाहिए हमको, लग रहा है ना बाबा किरण दोनों। हाँ, ब्रेक ले सकते हैं हम लोग बिल्कुल। हाँ जी, शो कैसा लग रहा है हमको जरा बताएं, रेसिपीज कैसी लग रही हैं? और मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं ये बताएं, पूछे ना आप जरा लोगों से बात करें, बताएं कैसी लग रही हैं भाई। वैसे तो अच्छी लग रही है, और ये इसकी शक्ल देखें जरा, क्रिस्पी क्रिस्पी आ रही है, बाकी मैं
क्रिस्पी वाली चिकन। अभी मैं चक्कर बताती हूँ आपको। इसके नीचे ना एक प्लेट ताकि ऑयल ड्रॉप ना। मैं आपको ये बोल देती हूँ, ये रख देते हैं हम। सही है। अच्छा, अभी चावलों की असेंबलिंग रहती है, मीठे की असेंबलिंग रहती है, वो हम आपके सामने ही करेंगे। बाकी एक हमारी लास्ट रेसिपी है ये कीमा, ये हम ब्रेक से आके करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल फ्राई कर रहे हैं, ये चिकन तैयार है, चावल तैयार हैं, इसकी सब्जियाँ तैयार हैं, इसकी असेंबलिंग करेंगे आपके सामने। और दैट्स इट, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। जी वेलकम बैक। मैं हैरान हूँ कि ये चिकन इतनी क्रिस्पी बन कैसे गई। इंग्रेडिएंट्स तो वैसे ही हैं जैसे हम अमूमन बनाते हैं, लेकिन इतनी क्रिस्पी, कड़क बिल्कुल। मतलब अभी ये पहला लॉट निकाला है, जी, जी। निकालने के बाद ठंडा भी हो गया, तब भी ये सॉफ्ट नहीं हुई है, बिल्कुल सख्त है, हार्ड। खा के भी दिखाऊंगी, इतने मज़े की बनी है। आह, काश मेरा माइक ये क्रिस्पी पन को कैच कर लेता, बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू। मैं इसका रिकैप करना पड़ेगा दोबारा से। खैर आप फ्राई करें, आप हम, मैं आपको इसका रिकैप दोबारा से अभी करूँगी। अच्छा, मैं कीमा स्टार्ट कर दूँ? बिल्कुल, हम कीमा स्टार्ट करते हैं। ऑयल किफाया, कुकिंग ऑयल कितना डालना है? ये मुझसे नहीं जलना, हाफ कप के करीब डालिए आप। डालें बता दें, ये देखिए बहुत मज़े की बनी है भाई चिकन। इंशाल्लाह बाकी डिशेस भी अच्छी होंगी आपको सुनाई। और डाल दें थोड़ा कीमा, कढ़ाई है ना, थोड़ा सा ऑयल। बस बस बस, अब इसका ना चूल्हा ऑन कर दीजिए। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, सही है। राइस को हमने निकाल लिया डिश में, उसकी लेयरिंग हम बाद में सामने करेंगे आपके। एक मेयोनीज के साथ वो सॉस बनेगी। ऑयल में मैं केचप, ये है जिंजर, चॉप जिंजर। ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्ची जाएंगी अभी। अच्छा, ठीक है। सब डिशेस में आपने हरी मिर्च से स्टार्ट किया हाँ। है ना। चावलों की चिकन बनाई तो आपने लहसुन और हरी मिर्च डाला, चावल बनाए दम दिए तो हरी मिर्च और लहसुन। ठीक है, ये तो भाई एक्सेलेंट, वेरी गुड रेसिपी। सही से क्रिस्पी चिकन अगर आप खाना चाहते हैं ना, आप ये वाली रेसिपी बनाएं। कॉर्नफ्लावर भी था, मैदा भी था, अंडा भी था, तेल भी था, सोया सॉस भी था, सिरका भी था। ये तो हो गए लिक्विड आइटम्स। और फिर आपने डाली मसाले, जिसमें आपने लाल मिर्चें और नमक, काली मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा भुना हुआ था और कश्मीरी लाल मिर्च, ये चीज़ें थी मेन आइटम। हाँ हाँ, फिर हमने क्या किया था, अलग से क्रम्स लिए थे और फिर आपने सिर्फ क्रम्स लिए, क्योंकि अंडा वंडा सब उसमें मिक्स था। हाँ, आपने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला, ताकि थोड़ा सा चिकन की मैरिनेशन में, ताकि वो मैदा और जो कॉर्नफ्लावर है वो थोड़ा सा डाला आपने, ज़्यादा लिक्विड ही बिल्कुल नहीं किया, और क्रम्स में डाल के ऐसे हाथ से हमने फ्राई किया। वाकई बड़ी क्रिस्पी बनी है। अमूमन हम लोग क्रम्स वाली बनाते हैं और बिल्कुल खुश हो जाती है। सही, ये आप निकाले, मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेती हूँ। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने अदरक जिंजर डाल दिए, चॉप और हरी मिर्चें डाल दी। ठीक है, अब हम इसके मसाले डालेंगे ड्राई। सही है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा, ठीक है, साबुत धनिया भी है भुना कुटा, ये क्या है, साबुत धनिया, साबुत धनिया जी जी, भुना और कुटा। ये है चाट मसाला, 1 टीस्पून होगा, ठीक है। सॉल्ट जाएगा 2 टेस्ट, ठीक है। जी, मसालों में तेल भूनते हुए अदरक और आपने हरी मिर्च डाली और ये मसाले डाले। हाँ, अब इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन भी जाएगा, ठीक है। जायका है वैसे आपके हाथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, खाने आप बना मज़े के रही हैं, मज़े की अच्छी रेसिपी है। ये है टमाटर प्यूरी 2 कप। अच्छा, ठीक है। ये दो कितने टमाटरों का बना? 5 से 6 ब्लेंड कर लिया। हाँ, ब्लेंड कर लिया, ठीक है। और ये गया मसालों में, मसालों में अब ये कीमा जाकर हम इसको कर देंगे इसमें कीमे 10 मिनट के लिए कवर करके, खत्म खत्म कहानी। बस उसके बाद उसकी गार्निशिंग है,
जब तक हम बाकी काम करेंगे ये हो जाएगा। और ये कौन सा कीमा है? ये कढ़ाई कीमा है। कढ़ाई कीमा जी, ये भी नेट से सीखा? नहीं, ये अपने खुद ही करिए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं थोड़ा बहुत। नान के साथ? हाँ, पराठे भी अच्छा लगेगा। ये रेसिपी, ये तो भाई आज विन कर गई है, क्रिस्पी चिकन बिल्कुल ना क्रिस्पी जैसे हम चाहते हैं वैसी वाली। अब सब ट्राई करेंगे। अब इसको कवर कर, इसका कवर करना है ठीक है ना। अच्छा ये हमारा हो गया, इसको फिर हम क्रिस्पी चिकन को कर देते हैं रेडी। इसका बाउल आ गया था? नहीं, 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 नहीं। मैं घर में दावत भी होती है ना, मैं एंड में खाती हूँ। बहुत मजा किया। अच्छा इसके लिए मैंने बाउल मंगवाया था। किसके लिए? सॉस रखना है ना, सॉस के लिए। अच्छा ठीक है, सॉस हम रख देंगे। हाँ। ये सॉस ये देखें बना के लेकर आई हुई है। और इसमें क्या आपने डाला? इसमें 1 कप पानी लेकर, उसमें आधा कप चीनी है, सिरका है, और ये रेड चिली फ्लेक्स, और क्या कहते हैं केचप है, और उससे कॉर्नफ्लोर से ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ कुक नहीं किया? कुक किया, हाँ हाँ कुक किया। पानी लिया, केचप लिया, चीनी, चीनी ली, सिरका। अच्छा ठीक है, सिरका, लाल कुटी हुई मिर्चें, केचप। ओके हमने ठीक है, और कुक करके बनाइए। बहुत मज़े की सॉस बनी है ये भी। कॉलर है ठीक है। गार्निशिंग पे बड़ा जोर है अफशा का, ये खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन भी घर से करके लाई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण, आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत मजे में एंजॉय कर रही हूँ ये। अच्छा, आज मैं ये रेडी कर रही हूँ, फिर मैं बता दूंगी क्या। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है, कल वाला भी बहुत अच्छा था। हाँ, और माशाल्लाह से इतने अच्छे आपके गेस्ट आते हैं। माशाल्लाह कल वाली भी बहुत अच्छी थी, इतने सिंपल उन्होंने खाने बनाए, हल्के हल्के से मिर्च मसालों के साथ, लेकिन वो बहुत टेस्टी और मजे के लग रहे थे। हाँ, और नहीं कल की भी बहुत मजे की थी, आज की भी बहुत मजे की रेसिपीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज वाली भी बहुत मजे की रेसिपीज लग रही है। ये क्रिस्पी चिकन तो माशाल्लाह आप जितनी तारीफ कर रही है ना, लगता है बहुत मजे की होगी, और मैं जरूर ट्राई करूंगी इसे। जरूर ट्राई कीजिएगा ये क्रिस्पी चिकन तो, बिल्कुल कीजिएगा जी। माशाल्लाह से पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती हैं आप इतने अच्छे अच्छे गैस। ठीक है, हो गया। एक भूख से काम हो गया। अरे इसका चूल्हा बंद हो गया लेकिन। हाँ वो मैंने बंद कर दिया, हुआ एक्चुअली जल रहा था। हाँ जी, अच्छा यहाँ पर अब आप ये क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं? ये बारबेक्यू सॉस इसके ऊपर डालेंगे ना, चावल भी हम लेयरिंग करेंगे तो एंड में ये डालेंगे। अच्छा, इसमें आपने क्या लिया? मेयोनीज, 1 कप मेयोनीज है, हाफ कप केचप है, ठीक है, हॉट ये वाला सॉस है, चिली सॉस, ठीक है ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून संदीप का हमने ये हॉट चिली सॉस लिया हुआ है। ये लें, सही सही है। अच्छा अभी लेयरिंग में क्या क्या चाहिए? चावल यहाँ दे देंगे ताकि हम ये लेयरिंग भी देख लें। चावल के साथ है, और ये चिकन आ गई आपकी, वेजिटेबल है, और सब्जियां भी ले आते हैं। इसको भी यहाँ रख देती हूँ, सब्जियों के लिए ये जगह बन गई, इसको रख देती हूँ। अच्छा पहले गए चावल, फिर गई सारी सब्जियाँ जिनको हमने सौते किया था, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस डालकर, और थोड़ा सा गार्लिक और हरी मिर्च, इसको भी सिंपल, ठीक है। आहा मजे के लग रही है, ठीक है मैं हटा देती हूँ। और फिर चिकन जी, चिकन यहाँ रखती हूँ ताकि आप उसको ये लें। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि वो हमने बारबेक्यू का वो जी कोयले का धुआं दिया है ना। अच्छा टॉप इसी से ही होगा, चावल नहीं आएंगे? नहीं। ये तो फुल दावत वाला खाना है ना, बिल्कुल डिफरेंट मेहमानों को मिले, कंप्लीट मील कह सकते हैं ना। अभी मैं फ्लेवर टेस्ट करके बताती हूँ कितना कंप्लीट है। चिकन तो वही वेरी गुड है। थोड़ा सा ये मसाला लेती हूँ, सब्जी लेती हूँ, और चावल लेती हूँ। बिल्कुल अलग है। अरे सॉस तो डाली नहीं, सॉस दे लेंगे जो तो सॉस के साथ ही चखना है। ये सिंगापुरियन राइस जैसा होता है ना, उस तरह का उस स्टाइल का, सिंगापुरियन में इस तरह का वो नहीं होता ना, थोड़ा वो सब्जियां और वो मजे का नूडल्स भी होते हैं। वेरी नाइस, ये भी मजे की रेसिपी है। चलो जी ये भी तैयार हो गई, कीमा हमने चढ़ा दिया है, अब हमारे से मीठे की असेंबलिंग रहती है, वो भी हम आकर आपके सामने करते हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज की गेस्ट जो है ना उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो मैं हैरान हूँ ये क्रिस्पी चिकन इतनी क्रिस्पी और अभी तक क्रिस्पी है। वेरी गुड रेसिपी, परफेक्ट। ये ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, रात 9 बजे हमारा शो रिपीट होगा। अगर रेसिपी मिस हो गई हो तो आप लाइव देख, मतलब हमारा शो जब आएगा तब आप देखिएगा डेमो। राइस भी बहुत मज़े के हैं और अब हम जा रहे हैं मीठे की असेंबलिंग करने के लिए, एंड आई एम श्योर वो भी बहुत मज़े का होगा। अच्छा जी, अब मीठे में क्या क्या रहता है हमारा? अब मीठे में हमने ये तो लेयर लगा दी थी सूजी के साथ जो हमने बनाई थी ना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब ये जो है हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर और खोया डाल के, जो सही है, ठीक है ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा अच्छा, उसी में कॉर्नफ्लोर वाले दूध में जिसमें हमने खोया डाला था, रोज वाटर थोड़ा सा, वनीला एसेंस था और चीनी थी, दैट्स इट। वही सारी चीज़ें इसमें थी, रोज़ वाटर था, वनीला एसेंस था, चीनी थी, दूध था और सूजी थी। उसमें खोया था, इसमें सूजी थी और उसमें हमने डाली क्रीम 1 कप, ये विप क्रीम जी, ठीक है। अच्छा ये भी बहुत मज़े का वो होगा। यहाँ पर कीमा कढ़ाई चढ़ाया हुआ है हमने अच्छे से, मसाला वसाला डाल के टमाटरों का पल्प बनाकर वो भी इसमें डाला है। खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी। मीठे का कौन शौकीन है आपके घर में? सब सब घर में बन जाए बस बचता नहीं है। एक तो भाई है जो यहाँ पर है, इनको भी शायद बहुत शौक है, वो वहीं से इशारा कर रहे हैं बहुत। आ जाए जी, नाम क्या इनका? ताहिर इस्माइल। ताहिर साहब आइए, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। और ताहिर साहब का हमें पता चला कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी जी, तो ये गाने हमने कहा भैया आप वहाँ क्यों बैठे हैं, आइए हमारे शो पर ज़रा सा गुनगुनाइए, हम जरा माहौल भी लाइवली करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं आपकी बहन ने लाजवाब खाना बनाया है, आप तो खाते रहते हो। बिल्कुल, हम तो जरूर खाते हैं। बैठे बैठे तशरीफ रखिए। वैसे आपको इनके हाथ का क्या पसंद? इनके हाथ का ये दम का कीमा बहुत अच्छा बनाती है। हैं, नेक्स्ट टाइम हो जाए इंशाल्लाह। हैं अफशा जी, जरूर नेक्स्ट टाइम। और क्या बनवाए हम इनसे आएंगे? और इनसे बनवाइए कढ़ी, बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, बेहतरीन कढ़ी भी सीख लेंगे हम इनसे, क्या पता कुछ डिफरेंट हमें मिल जाए। काफी टाइम से हमारे शो पे कढ़ी बनी भी नहीं है। चलें सही है, नेक्स्ट। चलिए जी, जब तक वो मिक्सिंग कर रही है आप जरा गुनगुना दीजिए, सुनाइए हमें कुछ, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत जबरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। बारबेक्यू चिकन राइस, चिकन मैरिनेशन के अज्जा, चिकन बोनलेस 750 ग्राम, दही 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1/4 चम्मच,
بنا زیرہ ایک چائے کا چمچہ, کشمیری لال مرچ ایک چائے کا چمچہ, پسی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ, کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ, کالی مرچ ایک چوتھائی چائے کا چمچہ, پسی ہلدی ایک چوتھائی چائے کا چمچہ, ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ, یلو فوڈ کلر آدھا چائے کا چمچہ, کوئلہ ایک عدد, سبزیوں کے لیے اجزا, تیل دو کھانے کے چمچے, لہسن چوپ ایک کھانے کا چمچہ, ہری مرچ ایک عدد, سرکہ ایک کھانے کا چمچہ, بند گوبھی دو کپ, کارن آدھا کپ, ہری پیاز آدھا کپ, شملہ مرچ ایک عدد, کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ, کالی مرچ ایک چائے کا چمچہ, سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ, چلی سوس دو کھانے کے چمچے, چاول کے اجزا, تیل چار کھانے کے چمچے, چوپٹ ادرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ, چوپٹ ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ, چاول دو کپ, نمک ایک چائے کا چمچہ, چکن کیوب ایک عدد, کٹی لال مرچ حسب ضرورت, سوس کے لیے اجزا, میونیز ایک کپ, ٹماٹو کیچپ ایک کھانے کا چمچہ, چلی گارلک سوس ایک کھانے کا چمچہ, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ. ترکیب: چکن میں میرینیشن کے اجزا مکس کر کے 10 منٹ رکھ دیں, پھر پین میں تیل گرم کر کے 10 منٹ پکائیں اور کوئلے کا دھواں دے کر ایک طرف رکھ دیں. دوسرے پین میں تیل گرم کر کے تمام سبزیاں اور اجزا تیز آنچ پر سوتے کر کے ایک طرف رکھ دیں. اب چاول کے لیے تیل گرم کر کے چوپٹ ادرک لہسن اور چوپٹ ہری مرچ فرائی کریں, پھر 2 کپ پانی, چاول, چکن کیوب اور نمک شامل کر کے پکائیں اور دم پر رکھ دیں. جب دم آ جائے تو کٹی لال مرچ مکس کر دیں, پھر سوس کے تمام اجزا ایک بول میں مکس کر لیں. آخر میں تمام چیزیں پلیٹر میں سیٹ کر کے سرو کریں. کڑاہی قیمہ اجزا: بیف کا قیمہ 1 کلو, ٹومیٹو پیوری 2 کپ, چوپٹ ادرک 1 کھانے کا چمچہ, جولین کٹ ادرک 1 کھانے کا چمچہ, ہرا دھنیا آدھی گچی, ہری مرچیں 8 عدد, ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ, پسی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, کٹی لال مرچ 1 چائے کا چمچہ, کشمیری لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچہ, بنا کٹا زیرہ 1 کھانے کا چمچہ, کٹا دھنیا 1 کھانے کا چمچہ, قصوری میتھی 1 کھانے کا چمچہ, تیل آدھا کپ. ترکیب: تیل گرم کر کے چوپٹ ادرک, ہری مرچیں, تمام خشک اجزا اور تھوڑا پانی ڈال کر بھون لیں. اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ, قیمہ اور ٹومیٹو پیوری شامل کر دیں اور 10 منٹ پکا کر سرو کریں. لایالی لبنان اجزا: دودھ 1 لیٹر, چینی آدھا کپ, سوجی 1/4 کپ, ونیلا ایسنس 1 چائے کا چمچہ, روز واٹر 1 چائے کا چمچہ, دودھ 1/2 لیٹر, کھویا 1/2 کپ, چینی 8 کھانے کے چمچے, کارنفلور 4 کھانے کے چمچے, وپڈ کریم 1 کپ, بادام 50 گرام, پستے 50 گرام, ونیلا ایسنس 1/2 چائے کا چمچہ, روز واٹر 1/2 چائے کا چمچہ. ترکیب: 1 لیٹر دودھ میں چینی, سوجی, ونیلا ایسنس اور روز واٹر مکس کر کے گاڑھا مکسچر تیار کر لیں اور ڈش میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں. اب 1/2 لیٹر دودھ میں 8 کھانے کے چمچے چینی ڈال کر ابال لیں. اس کے بعد کارنفلور کو تھوڑے دودھ میں گھول کر ونیلا ایسنس اور روز واٹر ڈال کر گاڑھا ہونے تک پکائیں. پھر اس میں کھویا شامل کر کے چولہا بند کر کے ٹھنڈا کر لیں. پھر اس میں وپڈ کریم شامل کر دیں. پھر پہلے والے مکسچر کی لیئر لگائیں. آخر میں بادام اور پستے سے گارنش کر کے سرو کریں. سپر کرسپی چکن اجزا: چکن بریسٹ 2 عدد, سویا سوس 2 کھانے کے چمچے, سرکہ 2 کھانے کے چمچے, تیل 2 کھانے کے چمچے, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچے, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچہ, پسی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, کٹی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, نمک 1 کھانے کا چمچہ, فلار 1 کپ, کارن فلار 1/2 کپ, انڈا 1 عدد, بریڈ کرمس حسب ضرورت, تیل فرائنگ کے لیے. ترکیب: چکن بریسٹ کو لمبائی میں کاٹ کر بریڈ کرمس کے علاوہ باقی تمام اجزا مکس کریں اور 10 منٹ فریج میں رکھ دیں. اس کے بعد چکن کو بریڈ کرمس میں کوٹ کر کے تیل میں فرائی کریں اور سویٹ چلی سوس کے ساتھ سرو کر دیں. سپر کرسپی چکن اجزا: چکن بریسٹ 2 عدد, سویا سوس 2 کھانے کے چمچے, سرکہ 2 کھانے کے چمچے, تیل 2 کھانے کے چمچے, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچے, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچہ, پسی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, کٹی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, نمک 1 کھانے کا چمچہ, فلار 1 کپ, کارن فلار 1/2 کپ, انڈا 1 عدد, بریڈ کرمز حسب ضرورت, تیل فرائنگ کے لیے. آ جائیں جی, ویلکم بیک. آخری میں ذرا ہم آپ کو بتا دیں, یہ قیمہ کڑھائی بھی تیار ہے. اس میں صرف ایک چیز رہتی ہے, کسوری میتھی. کسوری میتھی میں ڈال دیں, یہ ڈال دیجئے اور میٹھا لاجواب بنائیں. میں نے بہت سارے عربک میٹھے کھائے ہیں, ہمارے شو پہ بھی بہت بنے ہیں, لیکن اس کا جو فلیور آیا ہے نا, او ہو ہو, بالکل ڈفرینٹ ہے. اور صرف دودھ میں ہم نے بنایا, آپ چاہیں تو کریم کی کوانٹیٹی بھی کم کر سکتے ہیں تو اور آپ کو اچھا دودھ کا فلیور آئے گا. مجھے بہت مزے کا لگا, اور سوچیں یہ ٹھنڈا نہیں کھایا, نارمل اس میں کھایا تو مجھے اتنا اچھا لگا. آج کی ریسیپیز واقعی ٹو گڈ. بھائی خاطر کرنی پڑے گی اپنے مہمان کی, اور ہمارے افشاں کے ساتھ جو ان کے بھائی آئے ہیں, آپ کی بھی اتنا اچھا آپ نے اپنی آواز میں سنایا. ڈیئر ٹی میں بنا رہی ہوں, بالکل مزیدار سی. اور یہ خاص چائے کے شوقین لوگ جو ہیں نا, ڈیئر ٹی کو اس لیے پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس کے جو دانے ہیں وہ بالکل, دانے والی جو چائے ہوتی ہے نا, اسٹرانگ اور خوشبودار اور بہترین ذائقہ. 2 کپ پانی ڈال دیا ہے, ذرا سی میں آئی تھنک 1.5 کپ ڈالوں گی, تو
उसको थोड़ा पकाऊंगी, वो रंग भी इसका इतना अच्छा है ताई जी चीनी, और मैं आपको सर्व करती हूँ. जब तक हम ये कर रहे हैं, चाय बन रहा है, कुछ और भी सुन लेते हैं हम आपसे और फिर हम एंड करेंगे. ओके, छोटा सा ही सुन लेंगे या जाते हुए सुन लें, है ना, जाते हुए सुन लें, ठीक है. बट आप लोग हमारे शो पर आए, एनएक्स का ये डिलक्स चॉपर आपके साथ जाएगा. अब शाह आप इस आपके ज़रूर काम में आएगा ये, क्योंकि आपका ज़्यादातर वक्त किचन में गुजरता होगा. बट अफशा को हम ज़रूर लेकर आएंगे दोबारा अपने शो पे, बिकॉज़ इनका इनकी रेसिपीज़ हम सबको बहुत अच्छी लगी, और जायका भी अच्छा प्लस प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी. थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और हम अब आपका थैंक यू के बाद ज़रा इसको भी डिश आउट करते हैं, मैं इसको भी टेस्ट कर लेती हूँ, और फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज़. इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे नए मेहमानों के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ. बट ये रेसिपीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा. क्रिस्पी चिकन टू गुड, कीमा मैं चखती हूँ, एंड मीठा इज़ लाजवाब. सही है जी, मेरी तरफ से सबकी तरफ से खुदा हाफिज़. जी सर, ओवर टू यू. ओके. देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम. ला 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 la 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 la. Dekha na tha kabhi humne ye sama aisa nasha, tere pyar ne diya socha na tha, kho gaye sapno mein hum. Thank you. Thank you. Thank you so much. हमारी तरफ से खुदा हाफिज. अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए. हाँ जी, चाय. Lively weekends.